हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पार्ट टू। लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर को हमने तीन डिवाइसेस बताई थी, जैसे कि पाइजोमीटर, सेकंड था यू ट्यूब मैनोमीटर एंड थर्ड था सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो पाइजोमीटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पाइजोमीटर एक सबसे सिंपल फॉर्म होती है सिंपल मैनोमीटर की। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें जिसमें हमको पाइप में कनेक्ट करते हैं, जिसका प्रेशर को मेजर करना है, और उसमें वो लिक्विड चढ़ता है और उस जिससे कि पीच को रोजिया चल इक्वेशन ला के हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। पाइजोमीटर की जब हमने बात करी थी, तब उसमें अगर हम देखें तो कैपिलरी इफेक्ट को इफेक्ट ना आए उसमें, इसलिए जो पाइजोमीटर की डायमीटर होती है ट्यूब की, वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर जैसे कि नाम से ही इसमें है यूट्यूब। इसमें क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि यू शेप में बेंड होती है, ठीक है, जिसका एक एंड हम उस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं जिसका जिससे हमें क्या करना है, जिसका हमें प्रेशर जिस पर हमें प्रेशर मेजर करना है, और जो दूसरा पॉइंट है वो एटमोसफेयर में ओपन रहता है, ठीक है। अब बात यह है कि हमें पाइजोमीटर पे यूट्यूब मैनोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। हम पाइजोमीटर भी जब प्रेशर मेजर कर रहा है और एक बहुत सिंपल डिवाइस है, तो हमें यूट्यूब मैनोमीटर क्यों चाहिए। इसके रीजंस हैं। इसका पहला रीजन है कि जो पाइजोमीटर है हमारा, लार्ज प्रेशर मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लार्ज प्रेशर मीन्स अगर हम बात करें P=ρgH में, लार्ज प्रेशर अगर किसी, मान लो हम वाटर के टर्म में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो रो हमारा हो गया कांस्टेंट, जी होता है 9.81, तो हमारा जी भी वेरी नहीं कर रहा। वाटर में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या, हम प्रेशर इंक्रीज करने है मतलब क्या हो जाएगा, उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और जी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एच क्या हो गया, पी अपॉन रो जी। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो एच भी बढ़ेगा। एच बढ़ेगा मतलब एच बढ़ेगा, इसका मतलब मुझे जो ट्यूब है, पाइजोमीटर की जो ट्यूब है उसकी लेंथ भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। लेंथ बढ़ जाएगी तो उसको हैंडलिंग में हमें दिक्कत आएगी, तो हम पाइजोमीटर की जो ट्यूब है उसको ज्यादा लंबा ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं करती हूँ एच को मैं रख लेती हूँ, मान लो हमने, चलो ठीक है, हम एच नहीं बढ़ा रहे, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एच को मैं कांस्टेंट रख लेती हूँ, अगर मैं 10 मीटर की बात करूँ, ठीक है, प्रेशर वेरी होगा, मैं बढ़ा देती हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ मरकरी, ये अपनी डेंसिटी वाटर और मरकरी, ठीक है। अगर मैं रो को एक बार मैं 10 रखती हूँ सेम प्रेशर के लिए, सेम प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, तो वाटर और मरकरी में अगर हम कंपैरिजन करें, पी हमारा सेम है, पी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में अगर हम आते हैं, पी इक्वल रो जी है, जो एच को हमने लिख दिया पी अपॉन रो जी, तो जो एच है वो किस पे डिपेंड करता है, रो पे इनवर्स में, है ना। रो बढ़ेगा तो एच कम होगा, और रो कम होगा तो एच बढ़ेगा, ठीक है। तो जो लाइट लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो उनके केस में क्या होगा, एच क्या होगा, इंक्रीज होगा। एच इंक्रीज हुआ तो सेम क्या प्रॉब्लम आई, जो पाइजोमीटर की हमारे पास ट्यूब है वो हमें बड़ी करनी पड़ेगी उन लिक्विड्स का प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी हम इस केस में क्या, जो हमारा प्रेशर है वो क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकंड हम आते हैं सेकंड रीजन पे, कि गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मींस ऑफ पाइजोमीटर, बिकॉज अ गैस फॉर्म्स नो फ्री एटमॉस्फेरिक सरफेस, ठीक है।
तो इन वजह से हम पाइजोमीटर को कहीं कहीं जगह यूज नहीं कर सकते। वो ये जो रीजंस हैं पाइजोमीटर का यूज को लिमिटेड कर देते हैं, इसलिए हमने यूट्यूब पर हम आते हैं, इसलिए हम यूट्यूब आया और यूट्यूब से हम यूट्यूब मैनोमीटर से हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूट्यूब मैनोमीटर कैसे वर्क करता है वो हम अभी आगे देखते हैं। डायग्राम में मैंने दो यूट्यूब मैनोमीटर की सिस्टम दिखाए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है 4 गेज प्रेशर एंड सेकंड था 4 वैक्यूम प्रेशर। हम एक एक केस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे 4 गेज प्रेशर के लिए। इस केस में क्या हो रहा है, एक यूट्यूब मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है दिस, ओके। इस यूट्यूब मैनोमीटर का एक एंड किसी पाइप से कनेक्टेड है, जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है बी पॉइंट पे, ओके। और सेकंड एंड इसका है एटमॉस्फेयर में ओपन। इस पाइप में कोई लिक्विड है जिसका प्रेशर है पी, ओके। अगर उस प्रेशर से ये इसमें तो इसका लिक्विड है वो आता है यूट्यूब मैनोमीटर में, और अपने प्रेशर की वजह से जो इस मैनोमीटर में हैवी लिक्विड भरा हुआ है, ये जो लिक्विड होगा इसकी डेंसिटी होगी जो लिक्विड पाइप में, जिस लिक्विड का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से ज्यादा, ठीक है। तो जो ये हैवी लिक्विड को फोर्स करता है, ओके। इस फोर्स की वजह से जो ये हैवी लिक्विड है ये डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से और कॉलम चढ़ता या गिरता है, जितना पाइप पाइप में प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग। गेज प्रेशर के केस में जब ये प्रेशर ज्यादा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा है, यहाँ से प्रेशर ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ेगा, ये राइज होगा यहाँ पे कॉलम, ठीक है। तो इस प्रेशर की वजह से माना कि इस अपने राइट जो अपना लेफ्ट लिंब है यूट्यूब मैनोमीटर का, उसमें अपनी गिरावट कितनी होती है, मरकरी लेवल की होती थी अपनी H1, ये हम हैवी जो लिक्विड है इसको हम मरकरी माने अगर, ठीक है। तो हैवी लिक्विड की गिरावट कितनी हो गई, H1, और इस गिरावट से इसमें कितना राइट लिंब में अपना कितना चढ़ गया, वो H2, ठीक है। तो प्रेशर हमको मेजर करना है बी पॉइंट पर। जो ए ए है वो है डेटम लाइन। डेटम लाइन मीन्स, डेटम लाइन हम क्यों कह रहे हैं इसको, इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को एक सीधा कर देती हूँ तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर, क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट क्या, प्रेशर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो H1 है जो पाइप में फ्लो हो रहा है उस लिक्विड, उसकी हाइट, और H2 है मरकरी की हाइट, ठीक है। मरकरी या फिर जो भी मैनोमीटर में फ्लूड भरा हुआ है, हैवी फ्लूड, हैवी लिक्विड, उसकी हाइट। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले हम की डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो जो ये पाइप में हमारा फ्लूड है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है S1, और जो ये हैवी लिक्विड है इसकी जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है S2। अगर हम पाइप वाली लिक्विड की डेंसिटी की बात करें तो वो हो जाएगा S1 × 1000, और जो मैनोमेट्रिक अपना फ्लूइड है उसकी मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसकी डेंसिटी की बात करें तो हो जाएगा S2 × 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको आप मेरे पिछले पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो ए ए लाइन पर हम बात करें, ए सॉरी लाइन पर सेम प्रेशर क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो इस लाइन पे ऊपर प्रेशर सेम रहेगा, हम उनको इक्वल कर देंगे अगर, ठीक है। तो इस वाले लिंब की अगर हम बात करें, लेफ्ट लिंब की, लेफ्ट में जो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, पी पी बी प्रेशर एट बी पी प्लस इसकी डेंसिटी रो जी और दिस हाइट रो जी H1, ठीक है। राइट लिंब की बात करें तो इस वाले लिंब पर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम इंक्लूड करते हैं तो पी ए प्लस रो जी H2, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ देते हैं तो वो जाएगा सिर्फ रो टू जी H2।
दोनों प्रेशर को अगर हम इक्वलाइज करते हैं तो पी प्लस रो जी एच वन इक्वल टू रो टू जी एच टू, तो हमारे पास प्रेशर एट बी क्या आता है, रो टू जी एच टू माइनस रो जी रो वन जी एच वन। इस तरीके से ना सॉल्व करें अगर हम, और जैसे मैंने पाइजोमीटर में सॉल्व करके बताया था उसी तरीके से अगर हम ये इक्वेशन लिखें तो वो कैसे लिखेंगे। हम चलते हैं जहां से जिस चीज का हमको प्रेशर मेजर करना है, किसी भी एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी एंड से स्टार्ट करते हैं। माना हम दोनों एंड से स्टार्ट करके देखेंगे कि इक्वेशन सेम आती है नहीं। बी पॉइंट पर हमको प्रेशर फाइंड करना है, बी पॉइंट पर प्रेशर है हमारा पी। अब इस लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, हम जा रहे हैं नीचे की साइड, ओके, नीचे की साइड जा रहे हैं मतलब साइन आएगा हमारे पास प्लस का। फिर ये कॉलम है कौन से लिक्विड का, रोवन डेंसिटी वाले लिक्विड का, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, रोवन जी और एच वन, ठीक है। अब हम आ गए ए ए वाली लाइन पे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम है तो इनको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की साइड, ठीक है, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड जा रहे हैं मतलब प्रेशर कैसा आएगा, निगेटिव, प्रेशर कम होगा। अब इस वाले कॉलम का प्रेशर, इस वाले कॉलम का प्रेशर क्या होगा, इस रो टू डेंसिटी का है सॉरी, तो रो टू इंटू जी और एच टू, ठीक है। हम मान लेते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को डेटम लाइन मतलब जीरो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से अगर हम प्रेशर फाइंड करें पी पर तो वो प्रेशर क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू सेम इक्वेशन आएगी, माइनस को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, तो रो टू जी एच टू, और प्लस को ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रो वन जी एच वन, सेम इक्वेशन आई। अगर मैं स्टार्ट करूं इस वाले एंड से, ठीक है, तो फिर से अपन इक्वेशन लिखते हैं, इस वाले एंड से स्टार्ट करेंगे। माना एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम ले लेते हैं मेजर, मान लेते हैं कि पी ए कुछ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो पी ए इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, पी ए एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। फिर हमारे हैं नीचे की साइड, नीचे की साइड आ रहे हैं मतलब प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पी ए प्लस। अब ये जो लिक्विड कॉलम है ये कौन से डेंसिटी वाला लिक्विड कॉलम है, रो टू जी वाला, ठीक है, रो टू वाला है, और इसकी हाइट क्या है, एच टू, तो ये क्या आएगा, पी ए प्लस रो टू जी और एच टू, ठीक है। हम आ गए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है सेम लिक्विड का है और सेम हाइट पे है, तो यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम इस पॉइंट पर आ गए अब, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड जा रहे हैं मतलब नेगेटिव, तो पी ए प्लस रो टू जी एच टू माइनस ये जो कॉलम है ये है अपना रोवन, ये वाला जो कॉलम है ये है रोवन लिक्विड का और एच वन हाइट का, तो इसका प्रेशर हो जाएगा रोवन जी एच वन, ठीक है। अब हम आ गए हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट का प्रेशर किसके इक्वल है, पीबी के, तो मतलब जो भी हमने इक्वेशन लिखी है टोटल प्रेशर ये किसके इक्वल है, पी के, पीबी मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी मतलब पी, ठीक है। तो पी इजिकल्स टू पी ए प्लस रो टू जी एच टू माइनस रोवन जी एच वन, इसमें हमने एटमोस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड किया है, इसका मतलब जो ये पी आया है बी पॉइंट पे प्रेशर हुआ है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इसमें पी ए को हटा दूं, पी ए को मैं मान लूं जीरो, पी ए को जीरो मान लेती हूँ, तो पी हमारे पास आता है रो टू जी एच टू माइनस रो वन जी एच वन, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, उसके सेम ही है। और जो ये हमारा प्रेशर होगा ये कौन सा होगा, गेज प्रेशर, क्योंकि हमने इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या मान लिया, जीरो, उसको हमने माना है रेफरेंस लाइन। तो इस तरीके से चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, इस तरीके से अगर हम बाय रूल्स चलें तो हम सीधे से सिंपल इक्वेशन लिख के आसानी से इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि तो अभी हमने बात करी थी, ये हमने बात करी थी गेज प्रेशर के लिए। अब हम आते हैं वैक्यूम प्रेशर वाले।
वैक्यूम प्रेशर वाले केस में क्या होगा, क्योंकि इस वाले पाइप में जो लिक्विड है हमारा, उसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, ठीक है, और यहाँ पर हमारा लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा है इस प्रेशर के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो इस वाले लिंब में ना चढ़ के इस लिंब में, लेफ्ट लिंब में ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फॉल, और यहाँ पर हमारा होगा राइज, ठीक है। गेज प्रेशर वाले केस में था कि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर था यहाँ पे, तो हमारा इस वाले लिंब में क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, ठीक है, और इस लिंब में क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान देना, वैक्यूम में क्या हो रहा है, वैक्यूम में पीए ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है पाइप के प्रेशर के कंपैरिजन में, इसलिए ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस चक्कर में क्या हो रहा है, इसी रीजन से ये जो अपना लेफ्ट लिंब में फ्लूड ऊपर चढ़ रहा है और राइट लिंब में फ्लूड नीचे गिर रहा है। इसके लिए भी हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, अगर ए लाइन की हम बात करें, डेटम लाइन, तो इसके ऊपर प्रेशर इज इक्वल्स टू इसके ऊपर प्रेशर, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। या फिर जैसे मैंने इक्वेशन बताया था कि जैसे हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे चलना है, उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हम बोलते हैं पी बी पर प्रेशर पी, ओके, तो इस वाले पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा बी पे, हम आते हैं रो वन जी एच वन, क्योंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस रो वन लिक्विड का कॉलम है वो, और एच वन उसकी हाइट है, तो रो वन जी एच वन, सेम हम आ गए इस पॉइंट पे। अब हम नीचे जा रहे हैं एच टू, बट ये लिक्विड कौन सा है, रो टू, मैनोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है, नीचे ही जा रहे हैं इसमें भी हम, तो आ गया प्लस रो टू, एच टू हाइट का कॉलम है, रो टू डेंसिटी के लिक्विड का, तो रो टू जी एच टू, इस पॉइंट पर आ गए, ये सेम लेवल पे पॉइंट है और सेम लिक्विड के पॉइंट हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मानते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज पी ए, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं मानते हैं तो हम इसको पी ए को क्या लिख देंगे, जीरो। पी ए लिखने से जो इक्वेशन आएगी, प्रेशर आएगा बी पर वो आएगा एब्सोल्यूट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम जीरो मान लें, जो प्रेशर आएगा बी पर वो आएगा वैक्यूम, वैक्यूम क्यों आया, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। कैसे, वो हमें कैसे पता कम है, वो हम देखते हैं। ऐसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिख दिया है, जीरो, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, पी प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू इक्वल्स टू जीरो, मीन्स पी हमारे पास क्या आया, दोनों प्लस में है, बैक लेफ्ट राइट साइड में जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो हमारे पास जो पी आया है वो क्या आ गया, माइनस रो टू जी एच टू और प्लस रो जी, माइनस में ही दोनों, ठीक है, दोनों को ऐड करके माइनस होगा, प्रेशर आया नेगेटिव, नेगेटिव गेज प्रेशर आया है, तो नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होता है हमारा, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये प्रेशर था वो कैसा था, वैक्यूम प्रेशर था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको एक एंड पकड़ना है, और अगर नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर होगा पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर होगा नेगेटिव, जिस लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं उस लिक्विड कॉलम की डेंसिटी हाइट रखनी है, और सीधे से सिंपल से चलते जाओ, प्रेशर लिखते जाओ प्लस माइनस लगा के, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर नोट है कि द ट्यूब जनरली कंटेन्स मर्करी और एनी अदर लिक्विड्स हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। जिस लिक्विड का हमको प्रेशर मेजर करना है मैनोमीटर में, उस जिस लिक्विड का हम प्रेशर मेजर करना है उसकी डेंसिटी से अधिक डेंसिटी का लिक्विड हम फिल करते हैं, उस लिक्विड से ज्यादा लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड की फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूट्यूब मैनोमीटर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।